सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क मोबाइल का। सो गाइस, आर्क मोबाइल के जो पिछले एपिसोड थे उस एपिसोड्स में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग इवेंट की बात कर रहे थे। और अभी ना गाइस होने वाला है खतरनाक सा मेगालोसोरस इवेंट, जिस इवेंट में हम लोग को जो है ना गाइस सलमान भाई ने जो उड़ाई थी हिरन, उस हिरन को टेम करना है। और उसको टेम करके जो है ना गाइस यहाँ पे अपना डोडो रेस जा हुआ था, उसी रेस ट्रैक पे रेस जीतनी है। डोडो रेस में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन मेगालोसोरस रेस में हम लोग पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। वैसे आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। और अगर आप लोग को आर्क मोबाइल के खुद के सर्वर बनाने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। सो चलो गाइज अभी आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। और आज ना देखो गाइज हम लोग क्या करने वाले, मेगालोसोरस टीम करने वाले। और पब्लिक सर्वर है गाइज ये जिसमें अभी मैं खेल रहा हूँ, ये अपना पब्लिक सर्वर है। सो जिसको भी गाइस इस सर्वर में खेलना है बिंदास आओ खेलो मजे करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई लोग, ठीक है। लेकिन इस सर्वर में ज्वाइन करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक रूल वाली वीडियो है, वो पूरी जरूर देखना। उसको देखे बिना अगर आप रेस में भाई पार्टिसिपेट करोगे या सर्वर विरवर में ज्वाइन करोगे और रेस में पार्टिसिपेट करोगे और जीत जाओगे तो भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उस रूल वाली वीडियो में कुछ वेरिफिकेशन वगैरह बताया गया है। सो वो जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आराम से सर्वर में ज्वाइन करना और मजे से खेलना, पब्लिक सर्वर है गाइस। सर्वर का नाम और पासवर्ड वो रूल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो चलो गाइस आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। ये किसका ताजमहल है भाई, यहाँ पे मम्मा अटल का बड़ा सा घर बना दिया भाई ने, भाई खतरनाक लग रहा है। वैसे गेम भी लाग मार रहे हैं, चलो कोई ना, अभी हम लोग फटाफट से जो ना जा रहे रेडवुड में, क्योंकि हम लोग को ना यहाँ पे टेम कर लेनी है गाइज हमारी सलमान भाई की हिरन। और एक मिनट रुक जाओ, मैं मेगालोसोरस का सैडल ही बना लूंगा ना यार, रुक जाओ मेगालोसोरस का पहले सैडल अनलॉक कर लूँ। मैं घर से सैडल ही बना के लेके आऊँगा ना, मेगालोसोरस। हाँ इसका सैडल बनाने के लिए वैसे क्या क्या चाहिए होता है मेगालोसोरस का सैडल, अरे इनो नहीं रे बाबा, मेगालोसोरस का भी ऐसे सेम सैडल दिखता है रे, कहाँ पे गया मेगालोसोरस का सैडल भाई। ये सैडल ये वाला है क्या, ना तो इकवानो डॉन है यहाँ पे सर्च, अच्छा ये रहा ना, ओके ठीक है देखो मेगालोसोरस। अरे यार मेगालोसोरस का सैडल जो है स्मिथि में बनेगा। और मैं आपको बता दूं गाइज, जो गाइज यहाँ पे हैकर्स वगैरह लोगों के सामान चुरा रहा था गाइज, उसने मेरा भी पूरा घर जो है ना वो साफ कर दिया है। इसलिए गाइज सबसे सेफ जगह जो है गाइज वो मेरी खुद की इन्वेंट्री है, इसलिए मैक्सिमम सामान ना जो भी होता है गाइज वो अपन अपने इन्वेंट्री में रखते हैं। चलो अभी फटाफट से मैं घर पे जाता हूँ एंड मेगालोसोरस का सैडल जो ना गाइज वो फटाफट से बना लेता हूँ। चिटिन वगैरह शायद से मेरे पास स्मिथि के अंदर जो ना गाइज पड़ा हुआ तो होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्मिथि के अंदर का सामान मे भी अभी तक चुराया नहीं गया होगा, ठीक है शायद से देखते चलो क्या सीन है। स्मिथि के अंदर का सामान तो गाइज अभी तक शायद से, वाह भाई अभी स्मिथि के अंदर का सामान नहीं, पूरी स्मिथि उड़ी हुई है गाइज यहाँ पे तो है भाई। क्या बोले यार बंदों को भाई, क्या बोले भाई, भाई स्मिथि के अंदर का सामान छोड़ो भाई, पूरी की पूरी स्मिथि उड़ी हुई है भाई यहाँ पे, क्या ही बोल सकते यार। आई रे मेरी गाइज फूटी किस्मत यहाँ पे। चलो एक काम करता हूँ, मैं मेगालोसोरस टेम करके लाता हूँ, बाकी सैडल वगैरह का जुगाड़ जो है ना गाइज वो हम लोग तो बाद में कर ही लेंगे यार, ठीक है। हम लोग किसी ना किसी से सैडल मांग लेंगे, वरना तो हम लोग भाई बना लेंगे आराम से। अभी पहले तो जाके मेगालोसोरस को पकड़ के लाते, देख रहे हो गाइज भाई ये है भाई। और जो ये कांड कर रहा था उसको बैन कब का पड़ चुका है, तो टेंशन नहीं लेने का। मैं भाई आई थिंक से एक हाथ हफ्ते आर्क मोबाइल खेला रही हूँ, सो इसलिए मैंने अपने बेस को रिपेयर वगैरह करा नहीं है, ठीक है। एक हफ्ते से गाइज अपने बेस की यही हालत है, सो मैं इसको भाई रिपेयर वगैरह कर दूंगा अगले वाले एपिसोड में एंड फिर आराम से गाइज हमारा काम हो जाएगा। अभी मेन जो है गाइज हमारे लिए भाई सलमान भाई की हिरन को टेम करना सबसे ज़्यादा जरूरी काम है, ताकि हम लोग जो है ना गाइज रेस में एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर सके। और मैं जो हिरन होगी ना वो हाई लेवल की टेम करूंगा, मुझे तो भाई हाई लेवल की हिरन चाहिए, लो लेवल की हिरन का मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और हाई लेवल की हिरन जो है ना गाइज उससे जीतने का मेरे दिमाग में खतरनाक सा प्लान है, क्योंकि इस हिरन को मैं भाई काफ़ी ज़्यादा बार चला चुका हूँ फिटेस्ट वगैरह में। सो मुझे पता है गाइस कि ये जो ना गाइस एकदम तेज़ी में मतलब एकदम फास्ट कैसी दौड़ती है, ठीक है। सो उस ट्रिक की मदद से जो ना गाइस हम लोग रेस भाई ज़रूर से जीतेंगे, या एटलीस्ट चांस भाई हम लोग कोशिश तो करेंगे कि हम लोग रेस जीत पाए भाई, ठीक है चलो आ जाओ। अभी देखते हैं हम लोग को भाई हिरन जो ना गाइस वो कितने लेवल की मिलती है। अरे बाप रे भाई, अरे 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 अरे, ठीक है भाई एक जंप मारनी पड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली, चलो कोई ना।
स्वाम बाह में से गाइज मुझे जाना है, और स्वाम में आपको बताइए यार आना कोंडा वो पापा के परे और एलिगेटर्स काफ़ी ज़्यादा भाई घूमते रहते हैं, सो उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा मुझे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना स्टैमिना रिकवर कर लेता हूँ। एंड मुझे भूख लग रही होगी तो खाने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। जो सामान गाइज मुझे फालतू का मिला है ना वो ड्रॉप कर लेता हूँ। ये सामान आप देख रहे हो, ये सारा सामान जो है ना गाइज वो हम लोग को मिलता रहता है, जो डेली ड्रॉप्स नहीं आते उसमें से भाई, डेली ड्रॉप में से। ये देखो भाई प्यास लग गया मेरे को, पानी पी लूँ थोड़ा सा भाई। हाँ भाई ठीक है, चलो भाग लो भाई, वहाँ पे एक एलिगेटर है मेरी बैंड बजा देगा। मैं दौड़े दौड़े जो, अरे भूख भी लगी है क्या? अरे यार इसको भूख भी लगी है, बट यहाँ पे अभी खाना नहीं मिलेगा, यहाँ पे खाली मौत मिलेगी स्वम्ब में। ठीक है, मेरे पास एक प्लायर भी नहीं है, मेरा ब्रॉन्टो था वो भी मारा गया, मेरा बंदर भी मारा गया, मेरे ए टू जेड डायनो मारे गए गाइस। वापस से मैं नंगा हो चुका हूँ पूरा। बट अपना घर जो है ना गाइस वो एटलीस्ट भाई स्टोन का बना हुआ था, सो वो अभी तक भाई यहाँ पे वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। अगर अपना घर जो है वो भी अगर यहाँ पे बना हुआ होता समझ लो, अरे बाप रे आनाकोंडा बिना कोंडा यहाँ पे। ठीक है, अपना घर अगर वुड का बना होता ना तो वो भी भाई जो अपने हेटर्स है वो उड़ा के भाई चले जाते, बट वो पड़ भाई अभी तक भाई वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। अच्छी बात है। ठीक है, म्यूजिक बज रहा है एकदम लाउड, हम लोग आ चुके हैं गाइस यहाँ पे रेडवुड में, जहाँ पे हम लोग को मिलेगी भाई हिरन। ठीक है, सैल्मन भाई सर जी के जो हिरन है ना गाइस वो मिलेंगी, उसको हम लोग को टेम करना है। मुझे मेल फीमेल दोनों में से कोई भी चल जाएगी वैसे। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी चल जाएगी तो मैं ढूंढ रहा बस एटलीस्ट मिल जाए बस यार। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो बस मिल जाए, कोई भी हो भाई, यहाँ पे दिख तो कुछ नहीं रहा, मैं स्टैमिना रिकवर करता हूँ। अरे वो रे भाई सैल्मन भाई की हिरन भाई वहाँ पे। ठीक है, मेगालोसोरस गाइस यहाँ पे, जो कि हम लोग को रेस इवेंट में भाई यूज़ करनी है। मेरा फूड बार पूरा डाउन है, लेवल कितने है? ये 165 लेवल है यार, ऐसे 400 लेवल के भाई डायनोज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बट 165 भी चल जाएगा मेरे पास गाइस। एक बार मुझे देखने दो, हाँ बोला वगैरह पड़े क्या कि मेरे हिसाब से मेगालोसोरस। अरे कारनो कैसा मेरी जान, मारना है मेरे को, 200 लेवल का है ना तू, चलना बेटा हीरो बन रह जाता, हीरो बन रह जाता, हीरो बन रह जाता, पहल दूंगा तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। बाप रे, अरे ये मेरे को ना फोड़ दे कहीं पे। ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई बाय 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 बाप। अरे 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 कैसा मार रहा है यार तू, 200 लेवल का है यार, लगभग ऑलमोस्ट 300 लेवल का है। चलो बेटा गोलू बेटा मस्ती नहीं, चलो गाइस ये मुझे कच्चा मीट लेके आ चुका है मेरे लिए, वही खा लेता हूँ मैं थोड़ा सा, पता है इससे हमारी हेल्थ डाउन हो जाएगी बट एटलीस्ट फूड बार तो गाइस बढ़ जाएगा। एक बोला है ये अगर मिस हुआ तो फिर हम लोग इसको भाई नॉकआउट ना कर पाएंगे भाई। ठीक है, कहाँ पे ये रहे हमारे सैल्मन भाई की हिरन मैडम जी। ठीक है, एक बोला है भाई मेरे पास एटलीस्ट। अरे बाप रे सामने और दो तीन है भाई, यार बंदों ने तो ट्री हाउस बी हाउस बना लिया यार यहाँ पे तो। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। कितना लेवल है जी आप, आपकी लेवल 75 ना चाहिए, 105। अरे यार लो लेवल ही है भाई, ये मुझे हाई लेवल की दिख रही है गाइस सैल्मन भाई की हिरन भाई। ठीक है, अरे ये कितना लेवल है, 105। ना 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 ना, ये वाली 165 पट्ट से हेड शॉट। अबे ये क्या हुआ, अबे ये क्या हुआ, मैंने छोड़ा तो। अबे गेम आगे पीछे कर रहा है क्या एकदम पूरा, अबे पिंक मार रहा है क्या, वन बोला कंज्यूम्ड। अबे लेकिन कहाँ कंज्यूम्ड ये तो बताओ, है भाई। ठीक है भाई, ये कर लो भाई गेम वाले। वाह भाई यार गेम पूरा आगे पीछे हो रहा है यार मेरा, भाई क्या चल रहा है ये, मैं हूँ कहाँ पे और वो हिरन कहाँ भाग गया अचानक से, भाई समझ ही नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ भाई यहाँ पे, वो हिरन कहाँ भाग गई भाई, ये रही। अबे इसको तो लग ही नहीं रहा भाई, रुको अचानक से पिंक मार दिया भाई एकदम खतरनाक वाला। ठीक है गाइस, मैं अभी इसका पीछा कर रहा हूँ, पीछा करते करते जाएंगे भाई। यार हवा भी हवा में उड़ रही है भाई, ये तो भाई गेम का कुछ ज़्यादा ही सस्ते से चल रहे क्या भाई, हेलो समझ ना आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे भाई, ओए भाई लो क्या हो रहा है ये, हेलो अरे भाई कहाँ गई वो हिरन भाई, भाग गई वो। अबे यार गेम इतना ज़्यादा आगे पीछे कर रहा क्या भाई। ठीक है भाई, वो तो हवा में उड़े जा रही है,
वो देखो दो दो सेकंड में गाइस गेम आगे पीछे कर रहा है एकदम पूरा ऐसा, ठीक है। समझ ना आ रहा भाई क्या चल रहा है आप सीन। मैं तो इसको भाई ऐसे इसमें ही भाई मारने की ट्राई करता हूँ एटलीस्ट, ठीक है। चल अबे पानी तो पी ले भाई, पानी तो पी ले, अपनी प्यास तो बुझा ले भाई। अब भाई यार गए भाई, गए गई मेरी सलमान भाई की हिरन गई भाई, वो अटक गई भाई वहाँ पे, उसकी बैंड बजा डालेंगे ये लोग। अबे रुक जाओ भाई, नहीं मारना उसको, अबे नहीं मारना यार, अबे रैप्टर के बच्चे नहीं मार उसको, मैं टेम करने वाला हूँ उसको भाई। ये देखो रैप्टर आगे पीछे कर रहा फुल। ये गाइस सर्वर का भाई कुछ ज़्यादा है भाई, सब बैंड बजा पड़ा लग रहा मेरे को तो। चल क्या आ रहा मेरे को खुद समझ ना आ रहा भाई यहाँ पे, ये मेरा नेट इशू है, सर्वर ऐसे ही चल रहा है गाइस मुझे बताना। सर्वर अगर ऐसे ही चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अबे भाई 4 घंटे लग रहे हैं हाथ में क्रॉसबो लेने में। अरे इसकी आग भाई, ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हो गाइस सर्वर ऐसे ही चल रहा है क्या अपना। मैं एक हफ्ते से खेला नहीं हूँ सर्वर में, सो मुझे ज़्यादा कुछ खास आइडिया है नहीं भाई। वैसे देख रहे हो भाई क्रॉसबो ना हाथ में ले पा रहा हूँ है, ठीक है भाई। क्या 4 साल में आएगी क्या हाथ में एक क्रॉसबो। इन्वेंटरी तो ओपन हो रही है बाबा, अच्छा क्रॉसबो भी इस बार चेंज ना हो रही है। रुको मेरा नेट स्पीड चेक करने दो एक बार भाई, मेरा नेट स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज है भाई। आ गई क्रॉसबो, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए हाथ में तो आ गई। पता नहीं कब तक भाई अभी ठीक से चलेगा अपना गेम भाई, ठीक है। अभी तो भाई ठीक चल रहा ही है, अभी तो ठीक चल रहा है। ओके मैं इसको भाई नॉकआउट करने की ट्राई कर रहा हूँ पूरी। ये अटक गई अच्छी, आ भाई अच्छी बात है भाई, अभी अटक गई भाई, अभी अटक गया, अभी अच्छे से चल रहा भाई। यस ब्रो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, ओपी ओपी बोलते ओपी ओपी बोलते। अभी भाई नॉकआउट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। चलो अभी मेरे को क्या करना है बताया भाई, मेगालोसोरस आर्क मोबाइल भाई, ठीक है। मेगालोसोरस आर्क मोबाइल, ठीक है। मेरे को ऐसा जाना है और यहाँ पे ऐसा देखना है ये कौन सा किबल खाती है भाई, ठीक है। ये खाएगी स्पेशल किबल, डिम्प्रोडॉन की किबल खाएंगी ये बराबर। कहाँ पे भाई मैडम जी, ये रही भाई मैडम जी, ठीक है। डिम्प्रोडॉन की किबल खाओगी आप, ठीक है। रुक जाओ मैडम जी को गए हम लोग को डिम्प्रोडॉन की किबल्स खिलाने, बट उससे पहले तो रैप्टर शैप्टर है क्या भाई। गैली मस्त डराता यार तू तो भाई, गैली तू चमन है क्या भाई, ऐसा डराया ना कर यार मेरे को, डराया ना कर भाई, ठीक है। रुको मैं यहाँ से स्मूथिंग बाम खरीदता हूँ एक, ठीक है। ये स्मूथिंग बाम जो है जो हम लोग डाल देंगे इसके इन्वेंट्री में और इसको पटाक से टेम कर लेंगे डिम्प्रोडॉन का केबल खिला के भाई, ठीक है। रिमोट यूज दिस आइटम बराबर। अभी भाई हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है, बेंच पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ये वाला बेंच, इसको क्या बोलते हैं मेरे को खुद पता नहीं। ये वाला है ना, नहीं ये तो एमो वाला बेंच है, तो अपना अलग बेंच है, इसमें तो एमो बनती है। रुको इसको पिकअप कर लूँ। ये बेंच मैं पहली बार का यूज़ कर रहा हूँ बता आपको, यहाँ पे ये वाला बेंच आई थिंक से यही है ना। रुको ये लग नहीं रहा भाई यहाँ पे, रुक जाओ इसको से लगाना पड़ेगा पहली बात तो। हाँ और आई थिंक से इसके अंदर ही हमारे केबल्स वगैरह बनेंगे, नहीं ये वाला भी नहीं। रुको गाइज यार मुझे अभी तक ये बेंच के बारे में जो ना ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। और सर्वर गाइज ऐसे ही चल रहा है क्या बताना, इतना ही पिंग दे रहा है क्या। फिर सर्वर को भाई शायद से रिसेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ हैकर्स लोग ने ना कुछ ज़्यादा बीच में उंगली करी थी, सो उस रीज़न से ऐसा हुआ होगा। रुको ठीक है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको, और इसके अंदर मुझे किबल बना लेने भाई, मतलब बाय कर लेने डिम्प्रोडॉन वाले। एलोसोरस एंकलो, यहाँ पे सर्च वाला बार नहीं है ना, नहीं है। ब्रायनिज ब्रोंटो कार्नो कॉम्पी डेमिट्रीडॉन ही है ना, नहीं नहीं डेमिट्रीडॉन नहीं, डिम्प्रो आ ये रहा डिम्प्रो की किबल बराबर। इसको क्रिएट मिक्स, मिक्स नहीं है क्या मेरे पास, एक्सेप्ट 3 मिल गया ना मेरे को किबल, हाँ बराबर 3 से आई थिंक से टेम हो जाएगा यार इजीली। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 3, रुको। टेमिंग इफेक्टिवनेस भी इसकी 100% ही रहने वाली है वैसे भी, ठीक है। अरे ये तो एक में ही टेम हो गया भाई, भाई मैं 3 का एक को डाला था भाई, दे दो भाई वापस दे दो। चिप स्टेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ठीक है ठीक है चिप स्टेशन। अभी जो बचे कुचे किबल हैं एक काम करता हूँ मैं भाई खुद खा लेता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट मस्त वे की ईट ईट, आ हा 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 चलो अभी इसको जो ना गाइस अनफॉलो करने का है अपन को, स्टॉप ऑल, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, ठीक है। घर पे जाके जो ना गाइस एक काम करता है, मैं इसको जो ना गाइस अपने घर पे भाई
मेरे को पता है भाई, तुम मेरे जाके उस, अबे यार हेलो भाई, क्रैश बीच नहीं होना रे भाई। नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ, बच गया बच गया बच गया। ये लोग ना जाके मेरे भाई हिरण जी को मारेंगे भाई। हिरण को मारने नहीं दूंगा मैं भाई, हिरण को मारने ही नहीं दूंगा भाई इन लोग को। मैं इन लोग की बैंड बजा दूंगा, देखता हूँ भाई मेरे हिरण को कैसे जाके मारते। ठीक है चलो, अभी फटाफट से घर पे जाके ना अपन अपने हिरण को अपने पास बुलाते, ठीक है? लेट्स गो बॉयज, फटाफट से घर पे पहुंचते। 3 days later ओके गाइस, तो हम लोग घर पे जो ना आ चुके। मैंने मेगालोसोरस को, अबे यार अभी तक आई नहीं, व्हाट? ओ आ गई गाइस घर पे अपनी मेगालोसोरस जो है गाइस, वो भी आ चुकी है। मैंने इसको जो ना गाइस अपने घर पे रिक्वेस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने घर पे स्मीदी वगैरह जो है गाइस वो भी वापस से बना लिए। इसके अंदर कुछ सामान भी जो है ना गाइस वो हमारे पास मैंने डाल के रख दिया है। ऑफ कोर्स गाइस हम लोग ने ये एडमिन से इसके अंदर डाला, क्योंकि गाइस देखो हम लोग इतने मेहनत से नॉर्मल चीजें बनाते, फिर भाई मैक्सिमम करके जो भी हेटर्स होते हैं ना, वो मेरे बेस के साथ ही गाइस यहाँ पे ना वो गुस्सा निकालते हैं अपना। सो उनके रीजन से हम लोग वापस से उतनी मेहनत नहीं करने वाले, ठीक है? इससे इसलिए मैंने जो गाइस अपने हेटर्स वगैरह ने सामान वगैरह तोड़ा था, वो सब कुछ जो ना गाइस एडमिन की मदद से वापस से ले लिया है। एंड अभी हम लोग जो ना गाइस मेगालोसोरस का सैडल बना लिए है। अभी यहाँ पे फटाफट से मैं मेगालोसोरस के ऊपर ये सैडल लगा देता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है मेरा वेट जो ना गाइस वो उठा पाएगी वैसे, बट लेट मी ट्राई। ओ नहीं, उठा तो नहीं पा रही है, बट ठीक है चलो। ये रह गई हमारे मेगालोसोरस, जिससे जो ना गाइस हम लोग अभी अगले इवेंट में रेस करने वाले हैं। सो गाइस मेरे मेगालोसोरस तो गाइस यहाँ पे रेडी है टेम करके। क्या आपकी मेगालोसोरस रेडी है भाई मेरे साथ यहाँ पे कम्पीट करने के लिए संडे में जो इवेंट होने वाला है उसमें? चलो आ जाओ गाइस, देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है संडे वाले इवेंट में। बाकी तुम्हारा भाई जो है ना वो एकदम फुल टू रेडी है, मेरे मेगालोसोरस भी रेडी है। इसको जो है ना गाइस अच्छे से मैं लेवलअप शेवलअप करूंगा। और इसको ना, एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं जब भी गाइस कोई भी डायनो ना घर के बाहर रखता हूँ, सो आप सभी को बताया गया जो उस डायनो के साथ क्या होता है, ठीक है? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके लिए इस डायनो को मैं खास करके ना अपने घर के अंदर रख दूंगा। बट घर के अंदर रखने से पहले ना मुझे इसके अंदर थोड़ी सी बेरीज वगैरह डालनी पड़ेगी, वरना बेचारी जो है ना गाइस वो यहाँ पे मार ही जाएगी यार हंगर के कारण। क्योंकि मैं गेम में जो है ना गाइस एक आध घंटे के लिए आता हूँ अचानक से गेम में, उस टाइम पे भी मैं डायनोस का फुटबॉल ठीक से देखता नहीं हूँ। सो मुझे जो ना गाइस इसके अंदर गाइस थोड़ी सी बेरीज जो है ना गाइस वो जमा करके रखनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से ना थोड़ी बेरी इकट्ठा कर लेता हूँ। रुको, ये बेरी नहीं कलेक्ट करती है क्या? अरे यार ये बेरीज इकट्ठा नहीं करती है क्या भाई? ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैन्युअली जो है ना गाइस बेरीज उठा के इसके अंदर डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेगालोसोरस जो है गाइस वो बेरीज ही खाती है। बट ये मेरे हिसाब से, रुको मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। मेरे हिसाब से तो मुझे लगा था बेरीज इकट्ठा करते ऐसा, मुंडे नीचे करो और मारो। अरे नहीं रे गाइस, ये बेरी वगैरह इकट्ठा नहीं कर रही है। और हमारा ब्रॉन्टो जो था बेरी कलेक्टर, वो भी मारा जा चुका है। वो कैसे मरा जरा एक बार मुझे देखने दो ट्राई ब्लॉग में। मेरे हिसाब से हंगर के रीज़न से ही मरा होगा वो। हंगर के रीज़न से मरा क्या ट्राइब थेरिजिनोसोरस? अनक्लेम्ड बाय सर्वर। अरे हाँ यार, अनक्लेम्ड हो गए गाइस वो डायनो। मैं बोला ना गाइस मैं एक आध हफ्ते तक सर्वर में आया ही नहीं था, तो अनक्लेम्ड हो गए, तो किसी ने क्लेम करके गाइस वो लेके जा चुका होगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें मेरा भाई यहाँ पे गलती था कि हम लोग ने जो ना गाइस उसको ठीक से भाई रखा नहीं। लेकिन कोई ना, मैं वापस से कुछ ना कुछ कर लूँगा, उसको टेम वगैरह कर लेंगे वापस से। अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ी सी बेरीज इकट्ठा कर रहा हूँ जो हम लोग हमारे मेगालोसोरस के अंदर डालेंगे, ताकि संडे तक जो ना गाइस ये भूख के रीज़न से तो मारा ना जाए, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे ना भर भर के बेरी इकट्ठा कर रहा हूँ। लगभग मुझे 100 बेरीज भी मिल गई ना हर एक तरह की, तो भी भाई हमारा काम हो जाएगा। और हमारा मेगालोसोरस पता नहीं क्यों लेकिन बेरीज जो है ना गाइस खुद से इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। और इसको ना मैं घर के अंदर रख दूंगा, मैं वॉल वगैरह जो है ना गाइस वो तोड़ के इसको घर के अंदर सुरक्षित रखूंगा, ताकि कोई भी जो है ना गाइस आके हमारे मेगालोसोरस को मार के ना चला जाए, ठीक है? वरना भाई अपने एडर लोग डायरेक्टली भाई वाइल्ड विल डायनो से जो है ना मार के चले जाएंगे। अभी आप बात करोगे टेरिट की, तो टेरिट मेरी जो है ना वो डिसेबल है, क्योंकि मेरा जो जनरेटर है वो सीधा जनरेटर ही किसी ने चुरा लिया है, ठीक है? मेरे घर में जो जनरेटर लगा हुआ था वो जनरेटर ही डायरेक्टली चुरा लिया है। और मेरे घर के जो टेरेट है वो अभी बंद है, उनको मैं शाम तक एक्टिवेट कर दूंगा। तो शाम तक जो है ना कि इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो है ना इसको घर के अंदर ही डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है? मेरे सबसे इतने बेरी से जो ना कि इस काम तो चल जाना चाहिए इसका। रुको मैं इसके अंदर बेरीज डाल देता हूँ, इतने बेरी से काम हो जाएगा। बस भाई खा ले आराम से खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुको ये भी लेने दो, आराम से खा ले भाई, आराम से खा ले। हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अब ये भूख के मारे तो एटलीस्ट मरेगा नहीं यहाँ पे हमारा मेगालोसोरस। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो टेरेट्स वगैरह है ना गाइज, वो यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, ठीक है। सो ये भी भाई हम लोग शाम तक एक्टिवेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी के लिए काम करते हैं, ये हमारा आज का आर्क मोबाइल का एपिसोड जो है वो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ज्यादा से ज्यादा बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और गाइज जो संडे को हमारी रेस होने वाली है उसमें भी जरूर से पार्टिसिपेट कर लेना। रेस की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं कल ही डाल चुका हूँ, वो जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। रेस कहाँ पे होगी, क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, सब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो वो वीडियो देखना और रेस में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मेरे अगेंस्ट गाइज आपको यहाँ पे भाई रेस में जीतना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइज, सी यू लेटर। And how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.